हनुमान मानिवाल। आगे माल्यार्पण के लिए सरवण जी थोरी, गोपाराम जी थोरी, मोहन जी दिलों की माला जोश के साथ। नेताजी या तो सुभाष चंद्र बोस हुए और या फिर दूसरे नेताजी हनुमान पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है सलीम भाई साहब का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार में। पाल बालाजी ठाकुर जी मंदिर के प्रांगण में दो तीन जोरदार जयकारे लगाए। ठाकुर जी महाराज की, बालाजी महाराज की, वीर तेजाजी महाराज की, राम साहब पीर की। शायद मुझे दूसरी बार यहां आने का मौका मिला जब मैं अग्निपथ की रैली कर रहा था, जो देश के अंदर एकमात्र रैली थी सेना के सम्मान में मोदी के खिलाफ, वो जोधपुर की धरती से हुंकार फिर थी। उस समय एक कार्यक्रम था जब मैं आया, इतनी बारिश हुई, लेकिन बारिश में भी आप लोगों ने मुझे सुना और वो वीडियो पूरे देश के, बारिश में भी जोधपुर के और लूणी के जवान इतने मजबूत है कि मुझे छोड़ के नहीं गए, बारिश में भी सुन रहे थे। जब छात्र संघ के चुनाव हुए, अब की बार आपने देखा होगा, जब छात्र संघ चुनाव को लेकर जयपुर में रैली करी, बारिश आ गई थी, तुमने देखा था। लेकिन तुमने मुझे भी भीगते हुए देखा, दो घंटे तुम्हारे साथ मैं भी भीगा हुआ था, भीगा था। तो मैंने कहा बच्चे ये क्या सोचेंगे, बाकी नेता भीगते नहीं, भिगोने का काम करता है। मैं तुम्हारे साथ भीगा था दो ढाई घंटे। और बच्चों के लिए जब मुझे कहा कि कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है, कांग्रेस का संगठन है NHUI, बीजेपी का ABP, ये अरुण बैठा, राजू राम खोजा, हमारे छात्र राजनीति निकले हुए। राजू ने कहा भाई साहब कोई तो बोले। मैंने कहा राजू अपना संगठन ही नहीं है कि नहीं है तो क्या, अपना तो काम ही हनुमान जी महाराज यही था कि लंका में आग लगाओ, कूद पड़ो। पड़े मैं एक महीना बराबर में आपके बीच घूमा पूरे राजस्थान के अंदर। अभी भी आप देख लीजिए दूसरी पार्टियां टिकट बांट रही दिल्ली के अंदर, 7 स्टार होटलों के अंदर, कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे हैं। कोई कहता मेरे दादाजी ये थे, वो थे, पड़दादा थे, धड़ दादाजी थे, ये कर कर के, ये सत्यानाथ जी का फूल, सुबह वापिस भाजपा, शाम को कांग्रेस। ये देखो आप ये हालात जो राजस्थान के अंदर। एक व्यक्ति जिसको पता ही नहीं टिकटों का क्या होगा, कौन लड़ेगा, कौन करेगा, और जो लड़ेंगे इनमें से ही लड़ेंगे। देख लो ज्यादातर चेहरे तो ये मंच पे बैठे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं, या जो मेरे भरोसे पे बैठे हैं कि हनुमान जी बैठे हैं, अपने आप चुनाव लड़ाएंगे। आप मुझे आप देखिए, एक व्यक्ति गांव की स्कूल से पढ़ के उस सत्ता को ठोकर मार के देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री, जिसके आगे सारा नतमस्तक हो गया इंडिया, उसकी परोसी थाली छोड़ के किसानों के सम्मान में लड़ने के लिए निकल पड़ा देश। आज मुझे कोई अभी कह रहा था कि भाई साहब आपका जो रथ है ये बीजेपी वालों के पास था पहले, तो मैंने कहा मैं तो खुद ही बीजेपी में था पहले, था कि नहीं था। और ये जब देश आजाद हुआ तो सब अपना लगी थे कि नहीं थे। अगर बीजेपी किसी गाड़ी से टैक्सी, किसी वेंडर से टैक्सी ले, मैं भी ले लूं, कांग्रेस भी ले ले, कोई मिठाई की दुकान है उसे कांग्रेस भी मिठाई खरीदे, बीजेपी RLP खरीद, जोधपुर में गहलोत भी रहता है, बीजेपी भी रहती है, RLP भी रहती है, कोई शेयर खाली होते हैं क्या, ये तो वेंडर है। लेकिन किस तरह की बातें करना भैया, मैं अगर बीजेपी से मिला होता तो मुझे अभी रात को घूमने की जरूरत नहीं थी। मैं कह देता मुझे इतनी सीट दो, कैबिनेट मंत्री दिल्ली में बनाओ, तैयार है बीजेपी, भाग रही है पीछे मेरे, आ जाओ NDA के अंदर। जिनका एक MP नहीं है उनकी गर्ज कर रही है, जिनका MP नहीं उन पार्टियों को NDA में ले लिया। तो हनुमान बेनीवाल है जिसके लिए बीजेपी ने सीट छोड़ी थी राजस्थान में, 2 सीट छोड़ी थी, बाड़मेर नागौर। बाड़मेर में मुझे तरस आ गया मेरे भाई पे, तो मेरी पार्टी के सामने 3rd नंबर था, दिला दी उसको टिकट। ये तो यारी होती है। और मैंने पिछली बार बहुत यारी नहीं भाई, कई कांग्रेस के मेरी वजह से मजे ले रहे हैं, सत्ता में बैठे हैं, कई बीजेपी वाले वेंटिलेटर पे थे उनको भी उनके नया पार्क रहा विधायक बना दिया, कई जीवन भर 8-8 बार आ रहे कहा मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, बना दो। आपके होशिया के अंदर तो क्या हालात हुए, माँ बेटी दोनों आ गए थे, कैसे ही करके प्लीज प्लीज बचा लो। कांग्रेस वाले भी पीछे पड़े हैं, पिताजी जेल में, बचा लो, क्या करना है, उम्मीदवार मतलब राजू खोजा साथ ही था। मैंने कहा नहीं लड़ाएंगे, नहीं लड़ाया, बन गई विधायक। अब कह रहे हनुमान की RLP को ये कर दूंगी, RLP का तो कुछ नहीं होगा, आचार संहिता लगने के बाद तय करना कि आपका क्या होगा होशिया के अंदर, चीज को ध्यान में रखना। वैसे महिलाओं से मैं लड़ता हूं ना, तो मैं महिलाओं का पलड़ा भारी रहता है मेरे ऊपर, ये सही है, थोड़ा समय लगता है। वसुंधरा
ने मुझे परेशान किया, लेकिन आखिरी जीत मेरी हुई। वसुंधरा जिसके नाम की तूती बोलती थी राजस्थान के अंदर, सारे नेता नतमस्तक हो गए थे, पूरी कांग्रेस पार्टी उसके कदमों में थी। उस वसुंधरा को चुनौती दी एक किसान के बेटे ने और सार समंदर पार भेज दिया वसुंधरा जी। अगर मुझे समझौता करना होता तो 2003 में वसुंधरा के पास जाके खाली मैडम यस मैडम ही तो कहना था, और क्या था। यस मैडम आप बताएं, मैडम बताएं, मैडम मुझे क्या लाना है आप बताएं। तो जिस तरह अपने कई लोग साड़ियां ड्राई क्लीन करा के लाते थे, गहलोत के कपलेट उठाते हैं, बड़ी बड़ी बातें, मैं तो जानता हूं सबको, मैं तो देखा था 1993-94-95 में ट्रेन रेलवे स्टेशन में खड़े, अरे भाई साहब आप यहाँ क्या कर रहे हो, बोले गहलोत साहब आ रहे हैं। तो मैंने कहा 4 बजे आप उठते हो क्या रोज, बोले नहीं, मैं क्या हमारी तो ट्रेन छूट रही कोई काम है इसलिए आगे, बोले गहलोत साहब आ रहे हैं, गहलोत पॉलिटिकल पापा। अब कह दिए गहलोत से मतलब नहीं, गहलोत ने आरएलपी खड़ी करी। अब मुझे एक बात तो बताओ, मुझे खड़ा किसने किया, कांग्रेस ने बीजेपी ने? कोई तो कांग्रेस वाला कह रहा बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी वाले कांग्रेस की बी टीम है। मैं बी टीम किसी की नहीं हूं, मैं प्रदेश के किसानों के आशीर्वाद से बना, जवानों के जोश उमंग उत्साह से पार्टी बना के देश में संदेश देने वाला किसान का बेटा हूं, जो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़क पे बैठा था। भाइयों पहला दल है आरएलपी पार्टी, जो राजस्थान में किसानों की आत्मा जिस पर बसती है। ये झंडा जो आरएलपी का ना आपके पास, ये झंडा आप एक व्यक्ति लेके खड़ा हो जाए आरएलपी, मोदी की सरकार भी भाग जाएगी, राजस्थान की सरकार भी भागेगी। आरएलपी का झंडा है, छेड़ो मत, पता नहीं क्या हो जाएगा, है कि नहीं झंडे के अंदर दम। ये झंडा इसलिए तो लाया मैं, पहले हरियाणा यूपी के ठग आते थे, झंडा दे देते थे, झंडा ले जाते डंडा पीछे छोड़ देते थे, डंडा लेके घूमता, कभी लोक दल कभी जनता दल, जनता दल ए बी सी डी पता नहीं क्या क्या लेके आए। अभी ठग आने वाले आएंगे, कोई मतलब नहीं, मैं हरियाणा के अंदर जाकर उनका ऐसा इलाज कर दूंगा उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि अब हनुमान बेनीवाल खाली राजस्थान में नहीं बोलता, वो देश की सबसे बड़ी संसद के अंदर देश की किसान कौम के लिए सत्ता छोड़ के उत्तर भारत में अगर कोई व्यक्ति 70 दिन सड़क पर बैठा, वो नागौर का सांसद था, जिन्हें हरियाणा पंजाब के किसान आंदोलन को समर्थन दिया, और राजस्थान की आहुति भी उस समर्थन के अंदर किसानों का उस यज्ञ के अंदर आहुति दी थी, बलिदान दिया, खुद का बलिदान दिया। इस तरह वीर तेजाजी महाराज ने गायों के लिए अपने प्राण न्योछावर किए, हनुमान बेनीवाल ने अपनी पूरी राजनीति उसके अंदर फूंक दी, पूरी सत्ता 20 साल पहले 25 साल पहले 3 में मंत्री बनता, 8 में पाड़ा बदलता, 13-18 कौन देखता कौन क्या कर रहा है, कौन किसके चप्पल साफ कर रहा है, कौन अंदर पोंछे लगा रहा है, देखा क्या आपने जाके? नहीं देखा ना, मैं तो देखा अनपढ़ लोग जिनके पास साइकिल नहीं, लोगों की नौकरी करते थे, अरब खरबपति हो गए। मेरे पिताजी 57 में जीप रखते थे, 57 के अंदर, कब था 57? ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, 57 के अंदर तो शायद राजस्थान मारवाड़ में कोई एक आध लोगों के पास होगा 57। 77 में एमएलए बने, 13 चुनाव लड़ लिए परिवार ने, एमपी एमएलए फिर एमएलए, पिताजी एमएलए, लेकिन फिर भी सेकेंड हैंड गाड़ी लेके इसलिए घूम रहा हूँ किस्तों पे कि मैं अगर पैसे कमाता तो इतने पैसे कमा लेता जिसका अंदाज भी नहीं था। मैं 2.5 नंबर के काम जो दूसरे नेता करते हैं मेरे पास कमी के करने, छोरे ही छोरे हैं चारों तरफ राजस्थान में, कह दो कि ये मेरी 15%, ये 10%, ये 20%, जमीनों पे कब्जे, दारू डोडा बजरी, कोई मना कर रहा मुझे? नहीं कर रहा ना, सत्ता छोड़ के सड़क पे बैठा हूं इसलिए कि आपका भरोसा मेरे ऊपर है, और ये इतना बड़ा भरोसा है कि 8 घंटे लेट हूं फिर भी आप मेरे सम्मान में खड़े हो। हनुमान आएगा इस राजस्थान के उस किसान की जिसकी फटी कमीज, जिसकी फटी जूती, जो बैठा हुआ सोच रहा है कि कोई तो आएगा एक दिन, जो देश की आजादी के बाद जिसने नए भारत नए राजस्थान के निर्माण की सोची थी, वो आएगा, वो मारवाड़ की धरती से आएगा, और वो आएगा नहीं, वो आ गया, जिसने 20-25 साल तपस्या करी और आपके लिए सुख दुख छोड़ के सड़कों पे रहा, परिवार इंतजार करता रहता, मेरा भी बच्चे देखे नहीं कितने छोटे छोटे हैं, लेकिन मैं दूसरों के बच्चों को देखता हूं, ये भी हमारे सबके किसान के बेटे हैं, मुझे इनके लिए लड़ना है। मेरे परिवार में कोई नौकरी नहीं करता, कोई आरएस आईएएस नहीं है, लेकिन दूसरे किसान के बेटों को देखता हूं तो मन संतुष्ट हो जाता है, ये किसान का बेटा है, ये कलेक्टर है, ये एसडीएम है, ये बेटी कलेक्टर है, ये भी मेरे परिवार की है। ये हनुमान बेनीवाल ने सोच पैदा करी राजस्थान के अंदर। और भाइयों ये नेता बराबर नहीं बिठाते थे, ये मैं ही हूं,
जिन्हें नेताओं को गली गली घर घर घुमाया, और मैं किसी की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं बनाता, वीडियो नहीं बनाता, जैसी लोगों की आदत है, अगर मैं वीडियो बनाने चालू करूं तो मेरे घर पे इतने बड़े बड़े नेता आते हैं तो अंदाज भी आपको नहीं होगा, जो कॉन्टेक्ट करने के लिए आते हैं। आइए आप INDIA के सदस्य बने, देश में खड़गे राहुल गांधी एक तरफ, अमित शाह नड्डा जी, दो ही वर्ग नहीं मैं देश के अंदर, तो नहीं आता रहा हूं दोनों के, मैं लड़ रहा हूं अकेला। और मुझे पता है इस लड़ाई के अंदर मुझे कुछ भी नहीं मिला, फिर भी मेरा नाम इतना बड़ा हो गया राजस्थान के अंदर कि हर व्यक्ति ये सोचेगा कि हमारे भाई ने लड़ाई लड़ी 20 साल तक। कोई ये तो नहीं कहेगा कि कोई लड़ा नहीं था, सरकार नहीं भी बनी, मैं ये तो कह सकता हूं 23 के अंदर मैं तो लड़ा था, आप नहीं लड़े, आप मेरे साथ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। उम्र तो मेरी भी बढ़ रही है, 49 साल का होगा, 50 का हो जाऊंगा जनवरी में। अभी आप पीछे बैठे सोच रहे होंगे कि 1-2 साल भाई साहब कम बता रहे होंगे उम्र अपने। लड़ते लड़ते क्या हुआ, लड़ते लड़ते कब समय निकल गया पता ही नहीं, मुझे खुद को ही पता नहीं कि मैं 15 साल से विधायक सांसद हूं, ऐसे समय निकला चलते 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 चलते। विपक्ष में रहा हमेशा, आपने देखा मुख्यमंत्री से झगड़ा, अशोक गहलोत जिसने किसान राजनीति को खत्म किया राजस्थान के अंदर, खत्म क्या किया, अपने कर्मों से खत्म हुए, कोई किसी को खत्म नहीं करता, मुझे तो नहीं कर रहा कोई खत्म, जिनके जैसे कर्म है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। जो किसी का खून चूसते हैं, दादाजी, पड़दादाजी, दादाजी टोपी कहाँ रखते थे, दादाजी का सापा कहाँ था, ये सब लोग जानते हैं कि टोपी ऐसी जगह रखते थे जहां रखनी नहीं चाहिए, लेकिन रखी, उसका परिणाम हमने भुगता, हम देख रहे हैं। वो बेइज्जती हमारी हुई, हमारे समाज की हुई, हुई कि नहीं हुई बताओ मुझे, नीचा हमें देखना पड़ रहा है। कोई कमरा किराए का नहीं देता, कोई किराए कमरा देता है क्या आपको जोधपुर में, जयपुर में अगर ये कह दे कि जाट है करे इसको किराए कमरे में तो खाली नहीं करेगा, ये वही होगा जो दादाजी और उस टीम का आदमी। तो आप अंदाज लगाओ, एक हनुमान बेनीवाल आया, जो चर्चा चली इस राजस्थान और देश के अंदर कि ये हमारा भाई है जो शेड्यूल कास्ट के लिए लड़ेगा, जाट गुजर मीणा यादव के लिए लड़ेगा, जिसने लोकसभा के अंदर कहा कि मेरे राजस्थान के अंदर जहां सबसे ज्यादा जाट समाज की मुस्लिम मेघवाल मीणा गुजर यादव की आबादी है, एक भी हाईकोर्ट का जज क्यों नहीं, ये बोल सकता कोई लोकसभा के अंदर, मैंने बोला और परिणाम ये हुआ कि एक मीणा हाईकोर्ट के जज बने और एक मुसलमान भी हाईकोर्ट का जज बना। अब अपने वालों का नंबर आ जाएगा, 1-2-3 बन जाएंगे, इस समय की बात है। लड़ मैं रहा हूं, फायदा लोगों को हो रहा है, बीजेपी भी अध्यक्ष बना रही है, कांग्रेस भी बना रही है, सामान सही कॉन्स्टेंसी में नहीं हो, लेकिन इसलिए बना रही है कि हनुमान की काट क्या है, कई लोगों की दुकान चल जाती है, दिल्ली में कन्विंस कर देते हैं हम हनुमान से मुकाबला करें, बोले ठीक है पकड़ लो जो आता है, बोले ठीक है आप कर लो, कहां से कर लेंगे, 5-5 बार मेरे सामने हार गए मेरे से कर लेंगे मुकाबला, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पिताजी ने हराया, मैंने हराया, छोटे भाई ने हरा दिया, फिर भी नहीं मान रहे, अरे करेंगे मुकाबला, अरे कहां से करोगे मुकाबला, तुम्हारी जवानी चली गई, अब बुढ़ापे में कोई मुकाबला होता है क्या, कर लो मुकाबला, आ जाना, चुनाव आ रहा है ना सामने। मैं तो इसी तरह चलूंगा राजस्थान के अंदर, और मैं परवाह नहीं करता, हार भी देखी है, जीत भी देखी है, सम्मान भी देखा है, और रिकॉर्ड बनाया हर चीज का, सबसे बड़ी रैलियों का रिकॉर्ड, पार्टी बना के रिकॉर्ड, गहलोत के बेटे को हराया, जिस गहलोत ने परेशान किया उसके बेटे को हरा के क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर भेजा, भेजा कि नहीं भेजा, ये मैं ही था और कोई नहीं था। आप क्या सोच रहे हो, आपके नेताओं ने हराया, हनुमान बेनीवाल था जिसके पीछे आप लोग थे। पहली बार जोधपुर के अंदर जाट समाज ने लोकसभा चुनाव के अंदर 98% वोट भारतीय जनता पार्टी करके गहलोत के बेटे को हराया। भाइयों आवश्यकता पड़ी, मोदी अमित शाह के मुंह से यह कहलवा दिया, यार ये काबू नहीं आ रहा है, ये कितनी बड़ी बात है बताऊं मुझे, कि ईडी CBI मेरे पीछे नहीं पड़ सकती, लेकिन मिलेगा क्या उनको, 4 जोड़ी कपड़े 4 जोड़ी जूते, उससे तो ईडी का केस भी नहीं बनता। मेरी पार्टी का जब अकाउंट चेक किया उसमें 1500 रुपये मिले थे पार्टी के अकाउंट में, तो कहां से होगा बताओ मुझे, मैं कोई भीख थोड़ी मांग रहा हूं, मैंने अभी मांगा थोड़ी आपसे, मेरे भूख आ गई है तो मांगा तो नहीं ना, तो फिर लड़ रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं कि मेरे भाइयों को मैं सत्ता के उस पर लेके जाऊं। हम हमारी जो रेजिमेंट आज हमारे समाज की, अमेरिका के अखबार के अंदर छपा कि कारगिल की 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी पे, कारगिल की पहाड़ी आपने शायद गूगल पे करोगे तो आ जाएगी, अटल जी को तो पता ही नहीं लगा कितने घुसपैठिए घुस गए थे,
धीरे 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 चलते रहे 2-3-4 साल, फिर पता लगा अपने आप को बहुत बड़ी जीत मान ले। जीत नहीं थी, अपना फेल्योर था सिस्टम का। अपने कितने शहीद हुए वहां पे बताओ मुझे, कितने सैनिकों को खो दिया, कितने जामाजों को खो दिया। अमेरिका के अखबार ने लिखा कि कारगिल की 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी पे 50 किलो गोला बारूद लेके 47 लेके दुश्मन को मारता, वो कोई आगे बढ़ता है वो जाट रेजिमेंट का जवान है। तब सीना फूलता है हमारा, फूलता कि नहीं फूलता है? आपका सीना फूलता है कि हनुमान बेनीवाल ने मोदी से टक्कर ली और अगर मेरी कोई सीढ़ी आ जाती जब क्या होता आप बता दो, हंस क्या रहे हो? तो सीना थोड़ी फूलता, छुप जाते, अरे कहीं हो थकड़ा नेता का 62-65 मिनट मोजाई कौन खुलिया आएगा सीढ़ी, तो क्या होता बताओ मुझे। तो हनुमान बेनीवाल लड़ा, कर दिया हाईवे जाम, भगा दिया गहलोत सरकार को, भगा दिया मोदी सरकार को, अकेला लड़ रहा है लोकसभा का, फाड़ दिए कागज हट फेंक दिए, वो हनुमान बेनीवाल है। ले भाइयों पूरी ताकत के साथ जुटना, आपको 6-7 घंटे लेट हूं, अब क्या करूं बताओ, मैं तो लेट हो ही जाता हूं, मेरी तो शादी भी लेट हुई थी, मेरे हाथ में है क्या, मेरे भाग्य में लेट लिखा है। निकला था 10:30-11 बजे तो वहां दुकान घर पे पूरी बड़ी 500 लोग आ जाते हैं, उनको सुनो नहीं सुनो तो नाराज होकर जाते हैं, ये भी नहीं देखते कि आचार संहिता लगने वाली, ट्रांसफर करा दो, सड़क बना दो, कहां से सड़क बना, 10 दिन टेंडर में भी लगते हैं। अब उनको ज्यादा जागरूक कर दिया तो मुझे इस बात की पीड़ा है बहुत ज्यादा, लेकिन लोग नहीं समझते, लेकिन हमें हमारे भाइयों के काम करना है क्योंकि हमने उनको जागरूक किया, तभी तो फर्जी नेताओं की दुकानें बंद हुई राजस्थान के अंदर, पब्लिक जागरूक हो गई। तो निकलते निकलते 1-1.5 घंटा घर से लेट हो गया, और फिर आप हर गांव के अंदर, आज शायद पूरे दिन में रथ के ऊपर ही था, हर 5 किलोमीटर बाद स्वागत, हर 8 किलोमीटर बाद स्वागत, ये तो आप मेरा छोटा मोटा कहना मान रहे हो, कहते रथ के अंदर में ले जाता हूँ ऊपर आके स्वागत को, हर जगह अगर नीचे हो खेत के ले जाते, मैं कह रहा आप ऊपर आ जाओ रथ पे तो थोड़ी बहुत मान लेते हो कि ठीक है हम रथ पे चढ़ रहे हैं, रिलैक्स हो जाते, होते हो कि नहीं होते। तो यहाँ बज गई 1:15, मैंने यहाँ केरू में कहा, मैंने कहा सुबह कर लो कार्यक्रम, बोले कैसे कर लें सुबह, पिछली बार भी टोल पे थे आप आए नहीं, वो कुछ 5 साल पहले का बता रहा किस्सा बताओ, उसके बाद कितनी बार आ गया चला गया, चूंकि मुझे हिसाब चुकाना है, हर चीज मेरे से लोगे, मेरा लाइसेंस हर साल रिन्यू करना है, भाई साहब आपने कैसे नहीं किया बताओ, बाकी जो नहीं करके भाग्य उनका कुछ नहीं है। 2 लाख चंदा बोल दिया कहीं, 5 लाख बोलो, 5 लाख चंदा बोल, अरे बोल दिया, दिया है क्या कहीं, पता नहीं कितनी जगह बोल दिया होगा, लेकिन पीड़ा इस बात की भाइयों, जगूंगा 3-4 बजे जैसी रोटी खा के 2 चपाती खा के पड़ जाऊंगा, उठ के चल दूंगा, अब देखो ये तो ईश्वर की कृपा है, अब ये तो ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर, बाकी आप देखोगे ना मेरे को चलते हुए, जब मेरा जीवन देखोगे आपको लगेगा कि ये आदमी तपस्वी से कम नहीं, जिसका नेत्र को, ये प्रिया सिंह बैठी, मैंने इसको कहा ये जब मिली पहली बार, मैंने कहा प्रिया तुम इंटरनेशनल प्लेयर हो, कोई ऐसी दवाई बताओ 1 टेबलेट लेने से खाना नहीं खाना पड़े, ताकि मैं चलता चलता खालू चलता रहूं, तो खाना खाने में 1 घंटा खराब होता कि नहीं होता, 1-1.5 घंटा लग जाता, फिर 1.5 घंटा 3 घंटे चले गए, क्या यही कहा था मैंने आपको? तो इनका खाना तो खाना ही पड़ेगा भाई, ऐसी कोई दवाई बनी नहीं, अब बने भी होगी तो हमें नहीं मिली आज तक ऐसी दवाई, काश मिल जाए, टेबलेट ली दौड़ते जाए, क्योंकि समय कम है भाई, समय कम, तो कोई 1-2 चुनाव 3 चुनाव तो मजबूती से इतना ही लड़ सकते हैं, 23 का जो चुनाव है वो मजबूती से लड़ेंगे, संसाधन कम हो सकते हैं, साधन कम हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो ताकत है वो दूसरी पार्टियों के पास नहीं है। मैंने नड्डा की रैली देखी, नड्डा की रैली में पकड़ पकड़ के ला रहे लोगों को, खाली कुर्सियां, और एक कोई ला रहा और नाचने वाली लाया वहां पे, हरियाणा से आया सिंगर है, कोई नाच रही है, कोई मंच पे हुड़दंग कर रहे, बताओ क्या हालात हो गए राजस्थान के। मैंने कहा भाई बीजेपी वालों तुमसे मैं मरने वाला नहीं है, तो हरियाणा से ले आओ और यूपी से ले आओ, ये झंडा में ले आया, झंडा भी दे दिया डंडा भी दे दिया, इसको सामने खड़ा कर दो ना कहीं भी, जिस तरह ट्रेन के आगे लाल झंडी दिखाती रेल रुक जाती है, ये हनुमान बेनीवाल के किसानों का आशीर्वाद से बोतल का जो चिन्ह है झंडा, इसको देखते ही मोदी गहलोत की सरकार रुक जाती है, ये झंडा ही बहुत है। एक छोटी सी मैंने देखा है कि 5-4 साल पहले राजस्थान में जब कहते थे कि ज्ञापन देना है, मुझे ही फोन करने पड़ते थे, बच्चे 20-30-40 की संख्या में आते, सिखाए नहीं किसी ने लड़ना। अब आपके जोधपुर बीकानेर नागौर जयपुर बाड़मेर, ये 15 जिले तो ऐसे हो गए कि 1,000-2,000 एक मिनट में इकट्ठे हो जाते हो। 33 जिले थे पहले,
अब हो गए 50। 24 घंटे पहले बोल दो 50 जिला मुख्यालयों पे 2000 की संख्या सुबह चाहिए, तैयार मिलते हो। ये कांग्रेस बीजेपी के पास दम नहीं है, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास दम है। भाइयों, जिस स्पीड से आपने पार्टी परिवार को बढ़ाया, 5 साल के अंदर जो वोट राजस्थान में बढ़ा, 5 प्रधान, 3 MLA, 1 MP, 1 म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन, 7 उपचुनाव के अंदर बड़े वोट, 1 सीट उपचुनाव में जीतना, 1 जगह सेकंड रहना और 3-4 जगह बीजेपी के बराबर टक्कर लेना, बहुत बड़ी बात है, ईश्वर की कृपा है। मेरे पास जवानों की फौज है और जवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। आप ये तय कर लो कि हमें भूखे प्यासे रह के भी 2 महीने इस हनुमान जी की पार्टी को आगे बढ़ाना है। मैं धन्यवाद दूंगा कि 1 महीना जो स्वच्छता अभियान मैंने चलाया, रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। मैंने देश की पार्टियों के बारे में पूछा, वैसे तो पार्टियां पुरानी उनके चलते रहते हैं, मैंने कहा ऐसा 1 महीने का टारगेट दे के कब चला, तो पता लगा कि आप पार्टी ने पंजाब में चलाया था, सदस्य कितने बने 7-8 लाख और मेरे 1 महीने में कितने बने 20 लाख। बताओ सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब एक काम करो, 20 लाख 4 से गुणा कर दो, कितने वोट हुए, हो गए अभी कई तो बने ही नहीं, अभी याद नहीं आ रहा उनको, कह रहे हैं हमारा मोबाइल नहीं और दिखाओ और बनाना चाहते हैं। 1 करोड़ वोट पे है RLP, टोटल वोट कितना पोल होगा 4 करोड़, 1 करोड़ पे हमें 1 करोड़ और हो जाएंगे चारों तरफ से, 2 ही बच्चे पीछे कांग्रेस बीजेपी के पास, आएगा नहीं आएगा सत्ता के अंदर, ऐसी तो आता है सत्ता के अंदर आदमी। ताकत को पहचानो, मजबूती रखो और चलते चलते करंट और कहीं, मैं अभी देख रहा था मैं रथ के आगे किसल उलझ रहे थे, अच्छा नहीं लगता भाई, तो मेरे सामने आंखों का लिहाज तो रखो थोड़ा बहुत, तो कैसे चलेगा बताओ, बच्चे हो, जोश है, जोश में होश भी रखना है, गाड़ी धीरे चलानी है। मैंने आपको बताया 70-80, ईश्वर की कृपा है। वैसे जो बाड़मेर में हादसा हुआ मेरे काफिले में नहीं था, काफिले से 3 घंटे पहले था, लेकिन उसका भी मैंने कहा चूंकि गाड़ी RLP परिवार पार्टी के परिवार के मेंबर की, तो मैंने मना नहीं किया, मेरी जगह कांग्रेस बीजेपी के होते तो बयान दे देते, हमारा कोई लेना देना नहीं है, झूठा पोस्टर लगा ऐसे ही कहते। मैंने कहा बिल्कुल थी गाड़ी, RLP पार्टी के परिवार की गाड़ी थी, लेकिन काफिले में नहीं थी, 2 घंटे पहले वो गई थी, हो गया। मैंने वही आपको कहा कि आपको कसम लेनी है कि हमारी जिंदगी कीमती है, कोविड के अंदर आपने देखा होगा 50 लाख लोग चले गए देश के अंदर, कौन पूछता है मोदी की वजह से मरे। पहला जब मरीज आया केरल में, उस समय अगर इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक लगा देते तो कोविड नहीं बढ़ता। मोदी ने लोकसभा में भाषण दिया मेरे भारत में कोविड नहीं आएगा, तो हमने कहा बात हो गई कि आपकी, बोला हाँ मेरी बात हो गई। कितना झूठ बताओ आप, लोग बेचारे 1.5 महीने लोकसभा चलाई और सारे सारे आधे MP मंत्री सब हॉस्पिटल के अंदर, मुझे भी हुआ था, अमित शाह को हुआ, 1-15 मंत्रियों को, आप गए 2-3-5-10 प्रमुख लोगों को हुआ, अशोक गहलोत को 3-4 बार हो गए कोरोना, कई लोगों को हुआ, कई ऊपर चले गए, कई रह गए। सेकंड जो लहर आई, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर, वार्ड, ICU के लिए किस तरह लोग तड़प रहे थे, हमें भर्ती करवा दो, एडमिट करवा दो, वो एक बहुत बड़ा काम था, हमें जीवन मिला है। अगर कोविड के टाइम चले जाते तो क्या करते हैं आप बताओ मुझे, तो लोग मुझे कह रहे हैं कि आपने क्या किया, मैंने कहा बच गए ना, ये बहुत बड़ी बात है, बच गए तो देख ले आप सबको, और तुमने भी कहा बच गए, बहुत बड़ी बात है कि मोदी की सरकार में बच गए इतने लोग, 50 लाख मर के भगवान की कृपा थी कि 50 लाख मरने के बाद भी इतने बचे हुए हैं अपन। अब बचे हुए लोगों का फर्ज है कि हमें किसने मारा, और अशोक गहलोत ने क्या किया 5 साल के अंदर, सारे पेपर आउट, बजरी भू माफिया, जोधपुर से लेकर अलवर तक कोई जमीन नहीं छोड़ी, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से सर्वे करके बची हुई तो नहीं वसुंधरा के टाइम की, वो भी ले लो, अलॉटमेंट कर दो, सारे मंत्री विधायक, किसी का परिवार हत्या कर रहा है, लूट कर रहा है, रेप करवा रहा है, मर्डर करवा रहा है। भाइयों ये देखा होगा आपने, 1 दर्जन मंत्रियों पर रेप, लूट, डकैती, मर्डर के आरोप है, लेकिन CM कहते हैं इसका परिवार हो सकता है ये नहीं, मैं गारंटी देता हूँ, चीफ मिनिस्टर कौन करे इसका बताओ मुझे। और अगले ने ये कह दिया कि मेरी सरकार तो वसुंधरा ने बचाई, हम मिले हैं दोनों, बचपन के दोस्त थे दोनों, ये आप जानते हो अच्छी तरीके से इस बात को, लेकिन मैं जो 2009 में बात कहता था वो बात अशोक गहलोत ने 2-3 महीने पहले कही कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, जब मैं कहता था तो लोग कहते ऐसे आरोप लगा रहे, जब CM ने कह दिया
कि मेरी सरकार वसुंधरा ने बचाई, तो इससे ज्यादा मिलाजुली का क्या खेल होगा बताओ मुझे। कांग्रेस कांग्रेस लड़ रही है, भाजपा बिना दूल्हे की बारात, तोरण कौन मारेगा पता नहीं, तीन मुख्यमंत्री जोधपुर में बैठे हैं बीजेपी के, दो तीन एमएलए कौन से जगह पता नहीं, जीतेंगे कहां से लेकिन सीएम बन जाएंगे। अरे बिना जीते कैसे बनोगे सीएम, इसलिए एमएलए बनना पड़ेगा, ऊपर से कोई नहीं भेजेगा तुम्हें, पहले लड़ाएंगे और लड़ा का ऑपरेशन हो जाएगा लड़ते ही। बताओ मुझे सीट, देखो मेरी रेंज में तो अगर कोई लड़ लिया ढंग का आदमी सीएम का दावा, तो उसका ऑपरेशन में कर दूंगा हाथों हाथ, रेंज से बाहर हो गया प्रयास करूंगा, रुकूंगा नहीं, रात और दिन प्रयास करूंगा कि आधे मुख्यमंत्रियों को मैं विधानसभा चुनाव हरा के पहले वहीं बना दूं मुख्यमंत्री, ताकि दिक्कत नहीं। जैसे मेरे नागौर में भी एक दो नेताओं को बनाया था, दिमाग ठीक किया था, क्योंकि उनके पेट में अन्न बोल रहा है राजा महाराजाओं का, खून अच्छा अच्छा होता है, कहूं तो रात है ना पूरी। अब क्या, मेरा तो 1 बजे बाद ही सही मौसम बनता, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 से 5 ये अच्छा टाइम है मेरे लिए, और 5 से 10 सोना, और फिर चलना में और लेट हो जाएंगे। जब लेट हो ही गए जिंदगी में, कितने लेट हो गए बताओ, साढ़े मेरे सामने 2-2 कोटी के लोग आए, 3-3 बार मंत्री बन गए, बताओ मेरे सामने से सायरन बजाते हो निकलते, तो मैं तो लाल बत्ती लगा घुमा पिछली बार, मैंने कहा मन में रह जाएगी तो लाल बत्ती बिना कानून नियम तोड़ के लाल बत्ती लगाई, तो वसुंधरा ने कहा बत्ती उतार दूंगी, उतार लेना तेरे में दम, तो चल देख लेंगे बत्ती उतरेगी, नहीं उतार पाई वसुंधरा मेरी बत्ती। भाइयों जिद्दी हूं जो जिद करता हूं, और जाड़ तो वैसे जिद्दी होता है, मैं जिद्दी हूं पूरा, लेकिन तुम कई बार इतनी जिद करते हो मेरी जिद मुझे वापिस लेनी पड़ती है, तुमने जिद करके मुझे झुकाया कई बार, लेकिन अब नहीं करना है, अब मेरी बात माननी है, 2 महीने हम सबको प्रयास करना है, कोशिश करनी है, प्रत्येक जाति को साथ लेकर चलना, शेड्यूल कास्ट को, अल्पसंख्यकों को, हमारे ओबीसी के सारे भाइयों को साथ लेके, सर्व समाज को साथ लेके। वैसे भोम सिंह जी हमारे है राजपूत नेता, देखिए भोम सिंह जी, इनको मैं कह रहा था, भोम जी कह के 3-4 और ज्वाइन कराऊं, मैं एक लो मारो मन को लगड़ में क्यों करा रही हूं, मैं कोशिश करूं 1-2 की करीब में बीजेपी पकड़ ले, कोई कांग्रेस में मैं कोशिश करूं, आ जाएंगे मेरे पास 2-4-5 आ जाए तो अच्छी बात है। देखिए सर्व समाज होगा जब भी सरकार बनेगी अपनी, मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं, मैं व्यवस्था के खिलाफ हूं, जो किसान का विरोधी है वो हनुमान का विरोधी है, और जो किसान का दोस्त है वो मेरा अपना आप ही दोस्त है, चाहे कहीं बैठा हो। और मेरी एक आदत है, मैं जिसकी मदद करता हूं उससे इतनी उम्मीद करता हूं कि मेरा विरोध नहीं करे, और मैं मदद करता हूं वो विरोध करे तो मुझे अच्छा फील नहीं होता, फिर मैं उसको घर बिठाता हूं, ये मेरी आदत है। अब बाड़मेर में बिठाऊंगा, जोधपुर में बिठाऊंगा, भीलवाड़ा में बिठाऊंगा, जयपुर में बिठाऊंगा, भरतपुर में बिठाऊंगा, सीकर में बैठ जाऊंगा, तो कई लोग ये कहते हैं हनुमान जी घर बैठ जाएंगे, मैं नहीं बैठूंगा घर, मुझे पता मुझे क्या करना है, मेरे तो हाथ में खुद की टिकट विकेट, मैं तो देने वाला हूँ टिकट, चलती गाड़ी में देना, मुझे कोई संसदीय दल की बैठक थोड़ी बुलानी, ये पुखरा जी बैठे बात कर लूंगा फोन, बताओ पुखरा जी क्या क्या करना, कहाँ ठीक है कर दो फाइनल कर दो, इनको दे दो बच्चों को, क्या फर्क पड़ता है, नए नेता बन जाएंगे। तो नए नेता बनाने की फैक्ट्री अगर है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां आपने देखा होगा कि जब मैं पार्टी बना के आया आपके बीच, तब से लेकर अब तक ऐसे ऐसे योद्धा है मेरे पास भाषण में, जो 1.5 घंटे माइक नहीं छोड़ते, देखा आपने, पकड़ा तो 1.5 घंटा भाषण दे देंगे पूरा, ज्यादा देने लग गए। तो ये तैयारी है भाई, तैयार होते हैं यहाँ पे योद्धा, तैयार होते हैं नेता, तैयार होते हैं नेता, तैयार करने की फैक्ट्री है, और जो सेकेंड पीढ़ी थी वो आगे बढ़ रही इस आरएलपी पार्टी की, राजस्थान के अंदर बच्चों ने मेहनत की, प्रयास किया, उसी का परिणाम है कि आप सब लोग दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हो। चूंकि केरू के अंदर सभा है, मुझे जाना है जोधपुर शहर के अंदर, ये हमारी यात्रा, सुबह एक बार मैं निकलूंगा और 9-9:30 बजे पुखराज जी रात को जोधपुर में जाए अपन, तो सुबह निकलेंगे, सुबह और देख लेना, दिन में मान लो कोई बच्चे तो देख लेंगे कि वापिस रथ के अंदर सवार होके आप की, और मैं रथ यात्रा इसलिए भी कर रहा हूं ताकि आपको लगे कि हमारे नेता के अंदर भी वो ताकत है जो कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के अंदर है, आपका हौसला बढ़ाना चाहिए, आपको नई ऊर्जा मिलनी चाहिए, आप सब पूरी ताकत के साथ लगना, जो आशीर्वाद आपने दिया, जो जोश और उत्साह हमेशा समय समय पर आपने मुझे दी, उसके लिए धन्यवाद, हमेशा आपके लिए संघर्ष करता रहूंगा, धन्यवाद, जय हिंद। हनुमान हनुमान हनुमान।